মিষ্টি এবার নতুন চেহারা আর নতুন স্বাদে মিষ্টি কথা বাংলার নতুন মিষ্টি। आप सभी को जनपद उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहली बार आप इस आयोजन में गोविंदा जी के पधारे हैं मेरे घर। बहुत ही शुभ अनुभव रहा होगा आपका। बहुत ही ज्यादा, आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड अब से आई होप हर साल यहाँ पे मौका मिलेगा आने का और हमेशा मौका मिलेगा। बहुत ही कृपा निधान और दयालु और सहृदय हैं गोविंदा जी ने। बहुत ही ज्यादा आई थिंक बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। इतना प्यार देते हैं लोगों को और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, आई थिंक उसका कोई हिसाब नहीं है। और जितना भी आप इनसे मिलें, आप हमेशा खुशी अपने घर जाएंगे और हंसते मुस्कुराते और एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाएंगे। मेरा अनुभव पर्सनली ये रहा है, बहुत ही मजा। गोविंदा जी, बहुत ही नई ऊर्जा और उमंग आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। क्या मायने रखता है ये इस बार का गणपति उत्सव आपके लिए? सामने देखना है आपने, प्रश्न कहीं से भी आएंगे। मैंने इस पूजन में ये प्रार्थना की है कि रिद्धि सिद्धि की देवत गणपति पप्पा जो है बता रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वर्षानुवर्ष जो आंकड़े हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फलाने इनकी फिल्म जो है वो उसका इतना हो गया, ऐसा हो गया, उनका ये व्यापार हुआ, इनका ये व्यापार हुआ, ये बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। परंतु अब ऐसा ईश्वर समय दे कि हमें ये क्या कहते हैं वो भोगने का हमें प्रसाद मिलना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत वर्षानुवर्ष हो गया मैं इंतज़ार किए जा रहा हूँ। और बहुत शांति से और तमीज़ से और शुक्रिया अदा करते हुए ऊपर वाले के मैंने जो जो साहस और जो जो रिक्वायर्ड होती है श्रद्धा और सब वो उसके साथ में इंतज़ार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये प्रार्थना जो की है ये लग रहा है कि ये हो जाएगा। मैंने फिल्म देखी है और मैं अभिषेक डोगरा जी, वरुण शर्मा, दिगंगना, प्रवलीन, विजेंद्र काले, जो जो आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे हैं और आदरणीय साजिद कुरैशी, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग मेरी एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाह रहे थे तो साथ साथ में वो चाह रहे थे कि गोविंदा थोड़ा डिफरेंट लगे, आज का लगे, ऐसा लगे कि ये मॉडर्न है, आज का है। तो मुझे उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के सब लोग के सहयोग से हो पाया। और ख़ास तौर पर मैं और धन्यवाद देता हूँ मेरी सुपुत्री जो है टीना जी का, तो धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरी स्टाइलिंग इन्होंने की है। तो जो जो लुक जो नया लग रहा है उसके लिए दे से दैट कि देर इज़ बिहाइंड एवरी मैन देर इज़ सम वुमन वर्किंग ऑन। तो थैंक्सफुल, आई एम थैंक्सफुल टू माय वाइफ फॉर सपोर्टिंग मी फॉर सो लॉन्ग एंड थैंक्स टू टीना फॉर गिविंग मी सच अ गुड स्टाइलिंग। क्योंकि इस एज में आ गया ना थोड़ी सी पार्टियां लोगों की हिल जाती है, मैंने देखी और उसको रिस्टार्ट करें आप आके तो ये थोड़ा सा साहस पूर्ण डिसीजन हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, प्रसन्नचित रहिए और इस साल का फ्रेश फेस अवार्ड आपको मिलेगा। अरे वाह, धन्यवाद। और फ्रेश जोड़ी अवार्ड भी मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो वेरी मच एंड गणपति जी के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
हर साल गणपति के मौके पर हम देखते हैं कि आप बप्पा को लाते हैं, क्या फीलिंग होती है? आरती है घर में, बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल हो जाता है बप्पा के आने से, तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग होती है बप्पा के आने से घर में? आपने सब जवाब दे दिया है, वही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है बप्पा अपनी सालाना एक विज़िट इस घर को दे रहे हैं, जिनसे जिनसे प्यार करते हैं सबसे मिलने आ रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग बैठ के बतियाते हैं उनके सामने बैठ के बतियाते हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एटमोसफेयर। बड़ा इनफॉर्मल सा लगता है मुझे ये फेस्टिवल, ऐसा नहीं लगता कि रिचुअल्स हैं और ऐसा सब, तो जिसका जो जैसी श्रद्धा वो वैसे अपना प्यार बप्पा को देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात मुझे इस पर्व की ये लगती है कि मुंबई जैसे एक ऐसे शहर में जहाँ सब इतने मसरूफ़ हैं, वो किसी ना किसी तरह से आते जरूर हैं इस दिन, सो बप्पा से मिलते हैं, एंड दैट फील्स वेरी वेरी नाइस। বলিউডের লেটেস্ট নিউজ আর গসিপের সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না।